हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। खूबसूरत दिन की मैं शुरुआत कर रही हूँ, तो जहाँ से मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ वहीं से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो जाता है। तो आज दिन जो है मंडे है और सुबह के बज रहे हैं 7:30, और देखिए 7:30 बज गए हैं, लेकिन मैं अभी भी नींद में हूँ। तो नींद में रहने का ना बहुत बड़ी कारण है, तो नींद आने की वजह ये है लाइट। लाइट ने ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। एक तो पूरी गर्मी हो रही है, ऊपर से लाइट इतनी कट रही है। तो हमारे यहाँ लाइट जो है ना शनिवार को कटा था, आया मंडे को, यानी 2 दिन लाइट हमारे यहाँ नहीं था। सैटरडे को पूरी दिन लाइट नहीं था, आया रात को 8 साढ़े 8 बजे, वो गया सुबह 3 साढ़े 3 बजे, लाइट कट गया। फिर पूरे दिन संडे भी ऐसे ख़राब हो गया, लाइट नहीं रहा। रात को आया फिर सुबह कट गया, ऐसे चल रहा है कुछ दिन से। तो नींद पूरी नहीं हुई है, इतनी गर्मी पड़ रही है, और इन्वर्टर भी कहाँ तक चलता, लाइट नहीं रहता है, तो उसका भी चार्ज जो है ख़त्म हो गया था। तो हम सब जो है अच्छे से सोए नहीं हैं, तो यहाँ बैठे बैठे ना, एक तो भिंडी काटना मुझे ऐसे ही बोरिंग लगता है बहुत, भिंडी भी काट रही थी और साथ में मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, लेकिन खाना भी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो यहाँ मैं सिंपल साधारण खाना बना दे रही हूँ, केवल भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी, उसमें घी लगा के जो है हस्बैंड को टिफ़िन में दे दूँगी, बस इतना ही बनाऊँगी। तो आज जो है ना मैं सोच रही हूँ फटाफट से घर का काम निपटाऊँगी और जो है मैं सो जाऊँगी, लेकिन जब तक मेरा काम निपटेगा, जब मैं सोने जाऊँगी ना, तो मेरी नींद भी गायब हो जाती है। दोपहर को मुझे शायद ही कभी नींद आती है। मैं कितनी भी कोशिश करूँ ना कि दोपहर के मैं सो जाऊँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आती है। तो अर्णा भी उठ गया है, रिया भी उठ गई है, भिंडी की सब्ज़ी बन गई है, और मैंने आटा भी गूंद लिया है। तो यहाँ पे ना मैं गरम मसाले लाई थी, तो इसको थोड़े से ना मैं धूप दिखा देती हूँ ताकि पीसने में आसानी रहे। तो ये वाले गरम मसाले की टेस्ट जो है ना सब्ज़ी में सही आता है, वो पाउडर वाली जो आती है ना पैकेट वाली, वो मुझे उतना पसंद नहीं है। तो इस गरम मसाले में ना सौंठ देखिए ज़्यादा है, तो इसमें अभी कुछ मसाले मुझे और डालने पड़ेंगे, जैसे इलायची, लौंग, थोड़ा थोड़ा कम लग रहा है इसमें। तो यहाँ पर मेरे पास इलायची रखी हुई है, तो मैं इलायची डाल देती हूँ, और लौंग और जीरा रिया को मैंने भेज दिया है, नीचे दुकान है वहीं से लेके आएगी। तो यहाँ पे लौंग और जीरा लेके आ गई है, तो इसमें मैं मिला देती हूँ और रख देती हूँ धूप में। थोड़ा सा धूप लग जाएगा ना, फिर इसको मैं पाउडर बना के रख दूँगी, और ऐसे ना काफ़ी महीनों तक भी चल जाती है। काफ़ी महीने मतलब 1-1.5 महीना चल जाता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही डालना होता है। और ये जो वीडियो है ना, ये एक दिन पहले यानी संडे का ब्लॉग है। हम आरओ फिट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे आरओ फिट करने के लिए भैया आ गए हैं, तो खुशी हो रही है। आरओ लग जाएगा ना, तो पानी वाले समस्या जो हो रही है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आरओ जो है हमने प्रोवेन का लिया है, और ये आरओ लिए 2 साल हो गया है, 2 साल से ना हम इसको रख रखे थे। जब हमने आरओ लिया था तब हमारा किचन वगैरह नहीं बना था ना, तो हमने फिट नहीं करवाया था, ऐसे रख दिया था। लेकिन एक चीज़ समझ में आ गई है, कोई चीज़ अगर ख़रीदो तो तुरंत के तुरंत लगवाओ, रखना नहीं चाहिए। रखने की वजह से बहुत भारी नुकसान हो गई है, जो देख के ना काफ़ी मूड ऑफ हो गया है। तो मैं अभी थोड़ी देर में आप लोग को दिखाऊँगी आरओ में क्या प्रॉब्लम हुई है। हमारा आरओ जो है नहीं लग पाया, हमने उठा के उसको रख दिया है। तो अभी थोड़ी देर में मैं आप लोग को दिखाऊंगी उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो ये दोपहर का टाइम है, बज रहे हैं अभी 1:30, और बहुत तेज़ धूप हुई है, और मैं धो रही हूँ कपड़े। कपड़े धोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ना लाइट का कुछ नहीं कह सकते, कब कट जाए और पूरे दिन ना आए लाइट। तो अभी थोड़ी सी फिटिंग वगैरह भी बाकी है, अभी थोड़ा बहुत लाइट का काम भी बाकी है, तो बाद में करवाएंगे। अभी हमारा काम जो है ना ऐसे ही चल रहा है, आधा अधूरा करके काम चल रहा है, और काफ़ी लंबा हो गया काम चलते हुए। मिडिल क्लास फैमिली का ना लाइफ ऐसे ही होता है, कोई भी काम जो है ना एक बार में नहीं होता है, या कोई भी चीज़ें सामान अगर हम लेना चाहे तो हम एक बार में नहीं ले सकते, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करो फिर काम करवाते रहो। तो मिडिल क्लास का लाइफ जो है ऐसे होता है, संघर्ष वाली लाइफ होती है, काफ़ी संघर्ष होती है। जो है सो है, अब लाइफ ऐसे ही है तो जीना पड़ेगा, घबराने से नहीं होगा, सब हो जाएगा धीरे धीरे। और यहाँ पे देखिए धूप बहुत तेज़ हो रही है,
तो फ्रेंड्स अभी जो है मैं आ गई हूँ नीचे वाली पोर्शन में, और चलिए मैं दिखा देती हूँ यहाँ भी। तो देखिए यहाँ भी कैसे काम फैला हुआ है, और मिस्त्री लोग ना बहुत ही ज़्यादा धोखेबाज होते हैं। लाइट जला देती हूँ। तो देखिए क्या, अभी देखिए इसको जो है हमने पुट्टी करवा लिया है इस रूम को, क्योंकि ना बहुत अंधेरा अंधेरा रहता था, लेकिन अब पुट्टी हो गया है ना तो सही हो गया है। देखिए तो मिस्त्री सब ना बहुत धोखेबाज होते हैं, सच में ये बात तो है। पहले तो लगातार बोलेंगे काम जो है ना इतने दिन में ख़त्म कर देंगे आपका, लेकिन वो लगा देते हैं 15 दिन का काम जो है, वो लोग ना महीने लगा देते हैं। मैं कपड़े धो रही थी तो कोई आ गया था गेट पे, तो मैं वही देखने आई थी। तो आके मैं आप लोगों को सोची नीचे वाली अपने पोर्शन जो है दिखा दूँ जिसमें काम चल रहा है। तो पुट्टी वगैरह का काम जो है फैल गया है, अभी कितना दिन चलेगा कुछ भी नहीं बता पाएंगे। तो एक तो आरू ने मूड ख़राब कर दिया, ऊपर से जो ये काम फैला पड़ा है ना इसे देख के और मूड ख़राब हो रही है। जितना हम कोशिश कर रहे हैं ना जल्दी जल्दी हो जाए, अपना घर वगैरह ठीक कर ले, सही से सामान वगैरह सेटिंग कर ले, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जा रही है जिसे हम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने आप सबको दिखा दिया है, बाकी जब ना पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तब मैं दिखाऊंगी। अब चलिए मैं चलती हूँ ऊपर और कपड़े को फैला देती हूँ। देखिए कितनी तेज़ धूप हो रखी है, और गली का दुकान वगैरह भी बंद हो गया है, सब लोग आराम कर रहे हैं, मैं काम कर रही हूँ केवल लाइट के वजह से। और देखिए यहाँ पर ना रेलिंग भी कितनी गर्म हो गई है, तो मैं कपड़े वगैरह जो है ना इस पर ही फैला दूँगी। तो गर्मी के टाइम में मैं छत पर कपड़े नहीं फैलाती हूँ, यहीं पर कपड़े सारे सूख जाते हैं। तो कुछ कपड़े सूख जाएंगे तो इसको उठा दूंगी, फिर इसके जगह पे ना मैं दूसरे डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए बच्चों की जो छुट्टियाँ पड़ी है ना, बहुत मतलब मज़े में कट रही है छुट्टियाँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पास्ता बनाए जा रहे हैं, वो भी देखिए कहाँ बैठ के, देखिए स्लैब पे चढ़ के जो है रिया मैडम पास्ता बना रही है। बनाने आएंगे रिया, और इसकी दीदी जो है प्याज काट रही है, दोनों बहन मिल के बना रही हैं। बढ़िया बनाना, टेस्टी। बच्चों की छुट्टी जो है मज़े में कट रही है, सही है, अच्छी बात है, बच्चों के बहाने हमें भी खाने को मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पे देख लीजिए ये हाल है मतलब छुट्टियों का। जा स्कूल का काम कर लो फटाफट, जो भी हॉलीडे होमवर्क मिली है थोड़ी बहुत। तो फ्रेंड्स देखिए ये है आरओ जिसको ना हमने रख रखा था, लेकिन इसकी नल जो है टूट गई है। तो जब हम लाए थे ये सही था, रखने के वजह से ना दब के जो है इसका नल टूट गया है। तो जब हमने आरओ निकाला ना तो इसको खोल के नहीं देखे थे टूटा है या सही है, हमने ऐसे रख दिया। जब आरओ वाले भैया को जब हमने बुला लिया ना, तो जब हमने जब आरओ निकाला तब देखा तो इसका नल जो है टूटा पड़ा है। तो अब देखते हैं इसका क्या उपाय, इसको चेंज करें क्या करें, अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वैसे कह रहे हैं ना इसका जिसमें पानी स्टोर होती है ना वो वाली टंकी मिल जाती है। तो आरओ को जो है हमने पैक करके फिर से रख दिया है, अब देखते हैं ना क्या इसको क्या करना है। वैसे बास्केट इसका जो नीचे वाला जो इसमें पानी स्टोर होता है वो शायद मिल जाएगा, देखते हैं इसका अब क्या उपाय है, वो दिमाग ख़राब हो गया है। तो छोड़ो सारे टेंशन को रखते हैं साइड में, और यहाँ पे गरम गरम पास्ता खाते हैं और खा के देखते हैं कैसा बना है। तो सच में पास्ता जो है बहुत यम्मी बना था, चटपटी था, बिल्कुल चटपटी जैसे मुझे पसंद है। और देखिए कितनी यम्मी लग रही है ना। तो मुझे पास्ता, मैक्रोनी, मैगी हर चीज़ पसंद है, मैं थोड़ी बहुत सब कुछ खा लेती हूँ, लेकिन तीखी और चटपटी होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, होप आप लोग को मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग मेरा ब्लॉग को पूरा देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।